हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल प्रोफेसर क्लासेस में। तो देखिए, ये जो है हमारी मैम जो है प्ले क्लास में खो खो का आज गेम खिलवा रही है। ठीक है, तो हम लोग का ये फ्राइडे को होता है छुट्टी वक्त टाइम में, छुट्टी से पहले चौथा क्लास होता है उसमें खो खो का आज गेम खिलवा रही है। तो सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे इन्जॉय कर रहे हैं। तो वीडियो का इन्जॉय करिए, खो खो का खेल सीखिए। आप भी अगर डाइट पूरब सराय कॉलेज में नामांकन लेते हैं तो आपको भी ये मैम खेल खिलवाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है, यहाँ के जितने भी फैकल्टी हैं, मैं अधिकतर वीडियो के सारे वीडियो में यही बोल रहा हूँ। इसे मैं ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि जो भी बच्चे के पास यूट्यूब के द्वारा ये पहुँचे और वो अगर DLED इंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल के अगर डाइट कॉलेज पूरब सराय वो अगर चूज करना चाहते हैं, मुंगेर के आसपास है और तो इस कॉलेज को चूज कर सकते हैं। अगर आपका मार्क्स अच्छा आया हो तो आप इस कॉलेज में ज़रूर अपना नामांकन ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा कॉलेज है और यहाँ के सारे फैकल्टी सारे स्टाफ बहुत ही आपके हेल्पफुल है। तो वीडियो एंजॉय करिए, मिलते हैं आपसे लास्ट में। उठा रहा उसको जोर से। उल्टा नहीं घूमना, लेकिन जगह मैम बताते हुए कि कैसे करना है, क्योंकि बहुत ही त्रुटि कर रहे हैं खेलने में, इसलिए मैम निर्देश दे रहे हैं कि ऐसे रूल को इस तरह फॉलो किया जाता है। बहुत मज़ा आता है फ्रेंड्स। देखिए सेकेंड गेम है, सेकेंड गेम भी उसी दिन खेलवाई थी। तो देखिए यहाँ पर ये छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया था क्योंकि बहुत कम समय बचा था, तो इसलिए इसका छोटा वीडियो है क्लिप, तो इसी में ऐड कर दिया हूँ। फोकस कर दी, इसमें क्या था ना कि बॉल को एक चेयर से लेकर दूसरे चेयर पर पहले रखना था एक एक करके, फिर साथ मिलाकर इसको रखना था बिना गिरे, जमीन पर गिरे मतलब बॉल को गिराते हैं, और जो प्लेयर ऐसा कर देते थे फिर उनको पीछे चले जाना था। तो इसी तरह से दो ग्रुप थे, तो दोनों ग्रुप के सारे बच्चे को ये काम करना था एक एक करके। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं हमारे सहपाठी। ये सब हमारे क्लासमेट हैं, बहुत ही इन लोग का साथ भी बहुत मज़ा आता है, आप लोग का भी क्लासमेट अच्छा बनेगा। सारे बहुत ही प्यार से हम लोग पढ़ते भी हैं क्लास में।
ये देखिए फिर थोड़ा सा गेम का सिर्फ मॉड्यूल चेंज हो गया खेलने का, लेकिन वही गेम था, गेम जो है पास करना था पीछे की ओर, और फिर वो जो पीछे वाले हैं वो बंदा फिर आगे चला जाएगा फिर पास करेगा, इस तरह से लाइन आगे की ओर बढ़ेगा, और जो पहले बार सारा ग्रुप में सारे बच्चे मेंबर ऐसा कर ले कि वो फर्स्ट हो जाएंगे, वो इस गेम को जीत जाएंगे, वो इस तरह से था। ये सब हमारे क्लासमेट है जो पार्टिसिपेट नहीं ले रहे, जो मजा ले रहे हैं गेम का दर्शक के रूप में बनकर।